रिकॉर्डिंग इज ऑन। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चनों के बारे में बताया था, आज एक बार फिर उन क्वेश्चन के बारे में ये आगे बढ़ेंगे और ये सम ये जो छोटी छोटी सी आपको पहले भी डिस्कस टाइप की जो डेफिनेशंस थी उनको क्या करना था, याद करना था या फिर याद करने का तरीका समझाया था या फिर उनको अपने शब्दों में भी थोड़ा बहुत अच्छे से लिखना, कि जरूरी नहीं कि जो चीज हम याद करते हैं केवल उसी को हूबहू उतारे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एकदम सही होते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से गलत होते हैं। खुद की समझ में तो सही है लेकिन जो बता रहे हैं या जो देख रहा है वो गलत है। तो क्वेश्चन जैसे आपका म्यूजिक में है कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के बारे में बताइए। अब ये क्या है, ये एक जो है किताब से रिलेटेड, आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है क्वेश्चन उनके बारे में, या फिर संगीत मकरंद के बारे में बताइए या फिर स्वरमेल कला निधि के बारे में बताइए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, उनके बारे में क्या करते हैं धीरे धीरे करके लिखते चलेंगे और हर क्वेश्चन को पहले भी बताया था, आज एक बार फिर रिपीट करें कि हर क्वेश्चन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे तो उनको क्या होता है लिखने का तरीका याद करने का तरीका थोड़ा मैच करने लगता है। तो आज क्या जानेंगे, चतुर्दंडी प्रकाशिका की परिभाषा। पहले तो उसको समझ लीजिए, चतुर्दंडी धातु ऊपर रहेगा, प्रकाशिका प्रकाशिका है, इसकी इसका अर्थ या ये कह सकते हैं कि परिभाषा। क्वेश्चन आ जाए आपका कि चतुर्दशी प्रकाशिका के बारे में बताएं तो क्या बताएंगे, या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि चतुर्दंडी प्रकाशिका का अर्थ लिखते हुए उसकी उसकी परिभाषा को परिभाषित कीजिए, या फिर कभी कभी क्या करते हैं खाली इतना पूछ दिया कि चतुर्दंडी प्रकाशिका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन को बदल दिया, मतलब क्वेश्चन पूछने का उन्होंने क्या किया तरीका बदल दिया। तो वो कह रहे हैं कि चतुर्दंडी प्रकाशिका है वो क्या है, तो अपने को क्या बताना है इसका आंसर कि हम किन छोटे शब्दों में और सुंदर शब्दों में या एकदम सही शब्दों में क्या लिखेंगे। तो इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाता है वो आपको बता रहे हैं। तो क्या है वो उत्तर, सन 1660। कौन सा नंबर बताया, 1660 इस ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1660 में दक्षिण भारत के पंडित वेंकट मुखी, ये कौन है, ये राइटर है, ये उनका नाम है वेंकट मुखी द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है, यह ग्रंथ दक्षिण संगीत का ग्रंथ है, यह वेंकट मुखी द्वारा लिखा गया है। यह दक्षिण भारतीय संगीत
दक्षिण भारतीय संगीत का क्या है, यह ग्रंथ है। उसके अगर आगे बढ़ें या उसके आगे जाने तो क्या बताएंगे, और शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर पर वो कुछ आधारित है, और शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर और सारंगदेवकृत संगीत रत्नाकर पर बहुत कुछ आधारित है। सारंगदेवकृत संगीत रत्नाकर पर बहुत कुछ आधारित, इसकी मुख्य विशेषता यह है, इसका रत्न इस ग्रंथ में यह सिद्ध किया है, इसकी मुख्य विशेषता इसकी मुख्य विशेषता यह है कि सर्वप्रथम इस ग्रंथ में यह सिद्ध किया है, इस ग्रंथ ने यह सिद्ध किया है कि गणित के द्वारा 170 से अधिक से अधिक 72 भागों की रचना हो सकती है, कि गणित के द्वारा 72 यानी 72 थानों रचना की गई है, अधिक से अधिक 72 थानों की रचना हो सकती है। ये देखिए है। अब इसके आगे इन्होंने और क्या बात कही कि किंतु उनके विवाह के लिए 19 थानों को ही मान्यता दी, किंतु व्यवहारों के प्रति केवल 19 थानों को ही मान्यता दी गई है। और इसके बाद एक बात
पहला नाम मुखारी, दूसरा सम वराली, साम वराली, उसके बाद भोपाली हज्जी, और ये जो आपका चौथा नंबर आ रहा है उसका हज्जू, हज्जू जी। ये क्या है? ये मौंडा नाम है, मतलब जो उनकी भाषा के अंतर्गत आता है। बसंत भैरवी, बोल भैरवी, बसंत भैरवी, बसंत भैरवी, बोल गौर भैरवी, अहिरी श्री। अब इसके बाद में बताए कान भोजी शंकरा भ्रमण, कान भोजी का बोजी शंकरा भ्रमण। शंकरा भ्रमण फिर सामंत हे शाशी, हे साची। अब इसके बाद नाट शुद्ध वराली, नाट शुद्ध वराली, इसके बाद पुंत वराली, राली। अब इसके बाद शुद्ध रामत्री, शुद्ध शुद्ध राम की त्री, सिंह राव और कल्याणी त्री। ये सारे नाम थे, कौन कौन से? वो नाम जो उन्होंने 19 थाटों की बात करी। अब इसके आगे वेगट मुखी ने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने। वेगट मुखी ने क्या करा? पहले इस परिभाषा को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद इसको हटा के फिर आगे का बताएंगे। एक बार फिर से समझिए क्या है चतुर्दंडी प्रकाश का जो बताया उसका अर्थ निकला सन 1600। पहले तो ये जो सन बता रहे हैं इसको याद रखना है कि जो सन बताया वो कौन से सन की बात हो रही है, क्योंकि सन में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो उस कंफ्यूजन को नया ये बहुत सरल तरीका है 1660, ये 16 के बाद सीधे 6, 6 के बाद सीधे 0। तो ये ना बोलने वाला एक तरह से सन है। ये कह रहा 1600 दक्षिण भारत के पंडित, मतलब ये जो बात करी वो कहाँ की कर रहे हैं कि दक्षिण भारत के पंडित, मतलब इन्होंने ये भी बताया है
कि ये जिस पंडित की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे रहते थे, दक्षिण भारत में, अपने उत्तर भारत की बात नहीं करके बल्कि क्या कहना है, दक्षिण भारत के पंडित बेगम। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत इन दोनों में से कुछ भी आप या आपको तीन और ऑब्जेक्टिव इसके अलावा भी दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के पंडित वेंकट मुखी जो है द्वारा लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कौन, चतुर्नंदी प्रकाश का जो है वो वेंकट मुखी द्वारा लिखा गया है, पर ये इसके राइटर है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है हर बार कि चतुर्दंडी प्रकाश का के राइटर्स कौन है, या फिर इसको किसी ने लिखा, किसी भी तरह से इसको घुमा कर पूछ सकते हैं। तो क्या आंसर बता रहे हैं कि वेंकट मुखी द्वारा लिखा गया या दक्षिण भारतीय संगीत ग्रंथ है, मतलब ये जो ग्रंथ है वो क्या है, भारतीय दक्षिण भारतीय संगीत ग्रंथ है पहली बात, क्योंकि दक्षिण भारत के ही पंडित थे, दोनों बातें देखो सेम हो रही है कि ये दक्षिण भारत के पंडित थे, इसलिए ये जो संगीत है वो भी दक्षिण भारतीय ही है ना। तो दक्षिण भारतीय संगीत जो है, जो ग्रंथ है वो संगीत है, वो इसी से इसी का ही ग्रंथ माना गया, और शारंगदेव ग्रंथ संगीत रत्नाकर। अब ये राइटर सलाह हो गए और ये दूसरे हो गए, जैसे कि ये पहला होगा और ये दूसरे। अब ये करें शारंगदेव ग्रंथ संगीत रत्नाकर, मतलब ये जो संगीत रत्नाकर की जो बात की, ये क्या है, एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने करी, शारंगदेव ग्रंथ संगीत रत्नाकर। क्वेश्चन आ रहा है कि शारंगदेव ग्रंथ संगीत रत्नाकर है या नहीं है, या फिर और कोई चार बता रहे हैं उनमें से आपको किसमें निशान लगाना है, कि संगीत रत्नाकर ही शारंगदेव ग्रंथ या शारंगदेव को ने इस रचना को रचा है, पर बहुत अधिक आधारित है। अभी कल इसकी मुख्य विशेषता यह है कि सर्वप्रथम इस ग्रंथ ने यह सिद्ध किया है कि गणित द्वारा अधिक से अधिक 72, ये जो संख्या बताई है वो एकदम एग्जैक्ट रहेगी ना, आगे जाएगी ना पीछे, 72 थर्ड जो बताया 72 थर्डों की रचना हो सकती, किंतु उनके व्यवहारों के प्रति केवल 19 थर्डों को ही मान्यता प्राप्त हुई है या की गई है। मतलब हम कोशिश तो हर चीज की करते हैं, लेकिन जिस चीज में हमको मान्यता मिल जाती है, चाहे वो किसी चीज की, तब उस चीज को खोलने में या उस चीज को आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, पढ़ाई की, कहीं की भी बात हो। तो जब इनको, मतलब ये परफेक्ट होगा तभी इनको क्या है, एक मान्यता मिल गई। जैसे कि एक उदाहरण, अगर हम PhD मान लीजिए करते हैं, तो उसके आगे क्या होता है, हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, वो डॉक्टर अलग है और ये डॉक्टर, ये वो डिग्री है जो हमने पढ़ी है, और एक वो भी डिग्री है जो उसने भी पढ़ी, पर तरीका क्या हो गया, जैसे एक प्रिंसिपल बताते हैं जो अपने स्कूल और कॉलेज का होता है, और एक प्रिंसिपल वो होता है जो सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो मतलब सिर्फ जो अर्थ हुआ वो स्पेलिंग का ही, मतलब जो स्पेलिंग है वो केवल अलग अलग हो गई, लेकिन बोलने में क्या होता है, बोलने में सेम बोला जाता है, पर जो एक एक अक्षर से पूरा शब्द और अर्थ बदल जाता है। इसलिए ये क्या कहना है, इसके आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कि किंतु उनके व्यवहार के प्रति केवल 19 ही मान्यता प्राप्त हुई। अब ये 19 की जो उन्होंने बात करी, तो उनके नाम उन्होंने कुछ कुछ बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने जो नाम बताया वो कौन सा बताया, कि मुखारी, सांगवराली, भूपाली, हज्जू, बसंत भैरवी, बॉल भैरवी, अहिरी, श्री कामोजी, संक्रा भ्रमर, सामंत हेशाशी, नाथ शुद्ध भराली, कुंत भराली, शुद्ध रात्री, सिंगराव कल्याणी, वेकट मुखी ने 7 शुद्ध और 5 जो है वो स्वर क्या माने हैं, विकृत माने हैं, और विकृत स्वरों के नाम है साधारण गंधार, अंतर्गंधार, भराड़ी मध्यम, कौशिकी निषाद और पापी निषाद। अब इसके आगे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Thank you.
लाइन बताइए कौन सी विक्र सुरों के नाम क्या थे। वेंकट मक्खी ने सात शुद्ध और पांच विकृत स्वर बताए। वेंकट वेंकट मक्खी जो है वो क्या कह रहे हैं कि सात शुद्ध छठा इन्होंने कौन सा पता है ये जो लास्ट थे नामों की जो संख्या थी वो कितनी थी पांच थी। एक बार फिर से बता दें साधारण गंधार और अंतर गंधार वराणी माध्यम कोशिकी निषाद और काकली निषाद। तो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है यहीं पे खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि सात शुद्ध और पांच विकृत तो सात पांच कितने हो गए बारह। बारह स्वरों की बात कर रहे हैं कि वेंकटमुखी जो है वो अलग अलग स्वरों को नाम से परिभाषित कर रहे हैं और विकृत स्वरों के जो नाम थे वो सबसे पहला नाम साधारण गंधार अंतर गंधार वराणी मध्यम कौशिकी निषाद और काकली निषाद। ठीक इसी तरह से अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब दूसरा जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत मकरंद द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताएं या फिर स्वर मेल कला निधि के बारे में बताएं ऐसी बहुत सी डेफिनेशन हर आपको रोज छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी हो सकेगी वो आपको कंप्लीट कराते चलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी किसी तरह के किसी भी मतलब एक क्वेश्चन की बात नहीं करें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार नहीं दस बार पूछे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या करें कि आप अच्छे से हर लाइन को समझें और समझने की कोशिश करें तो क्या होगा आपको अच्छे नंबर अगर लाने हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। Thank you very much.